आज जब प्रस्ताव आया, मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि श्री वासुदेव देवनानी जी को हाउस का स्पीकर इलेक्ट करना है, तो हम सब ने उसका समर्थन किया। और मुझे खुशी है कि सभी दलों ने, विपक्ष ने मिलकर आज सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया। एक पद पर वो बैठे हैं, अब वो निष्पक्षता से काम करें, ऐसी उम्मीद हमने जाहिर करी है। और उनका लंबा अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि वो अब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता के प्रति जो इस सदन का समर्पण है, उसकी सही भावनाओं को आगे लाने का काम करेंगे। अच्छे संवाद होंगे, चर्चा होगी, डिबेट होगी, विधानसभा से प्रदेश के हित में जो नियम कानून बनते हैं उसमें वो सार्थक भूमिका निभाएंगे। हमने पूरा सहयोग उनको दिया है और मैं समझता हूँ इसी भावना से वो काम करेंगे। और निष्पक्षता के, क्योंकि वो 10 साल सत्ता में रहे, 10 साल विपक्ष में रहे, तो दोनों पहलू वो जानते हैं। और क्योंकि वो अजमेर से आते हैं, मैं अजमेर सांसद रह चुका हूँ, तो हमने राजनीतिक बहुत दो हाथ किए हैं, लेकिन आज वो एक ऐसे गौरवमय पद पर बैठे हैं जो हम सबका उनको सम्मान मिल रहा है, पूरा सहयोग मिलेगा विपक्ष का। और हम सब ने कहा है कि जब चर्चाएं हों उसमें जनता की बात उठाने का पूरा मौका विपक्ष को मिलना चाहिए। पायलट साहब, लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह से विपक्ष को निलंबित किया जा रहा है सदस्यों, हमने कहा इतिहास में पहली बार 147 सांसदों को निलंबित जो किया गया, ये बिल्कुल गलत है। लोकसभा और राज्यसभा में सरकार चाहती है कि विपक्ष मुक्त हो जाए, वो संभव नहीं है। अगर घटना के बारे में कोई जवाब मांगता है, विपक्ष अपनी बात को रखता है, तो थोक के भाव में निलंबित करना एक को दो को, लेकिन 50, 60, 70, 140 लोगों को निलंबन करना, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। इस लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। चर्चा हो, असहमति हो, लेकिन इस प्रकार सांसदों का लगातार निलंबन करना और रोज करना, ये कहीं ना कहीं एक गलत तरह की परंपरा हम लोग स्थापित कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ विधायकों ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया है, राहुल गांधी और बैनर्जी का पुतला भी जलाया है यहाँ। मैं सभी साथियों से बोलना चाहता हूँ, उनसे पूछें क्या जो निलंबन हो रहे हैं राज्यसभा लोकसभा में वो सही है, क्या विपक्ष अपनी बात बोलने के लिए आज़ादी नहीं है। ये बाकी इशूज पे ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है। मुख्य मुद्दा ये है कि अगर जो हस्तक्षेप, जो घुसपैठ हुई 13 दिसंबर को संसद के अंदर, उसको चलते अगर उसकी जांच की मांग या उस पर कुछ टिप्पणी या फिर जवाब दे तय करने की बात विपक्ष करता है, तो क्या गलत है? और क्या इतने सभी सांसदों का एक साथ निलंबन करना सही है? ये आवाज़ को दबाने की कोशिश है, इसके खिलाफ हम लोग हैं।